हेलो बच्चों, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या होती है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन? सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपने डेरिवेटिव्स का चैप्टर किया है बच्चों, और डेरिवेटिव्स में आपने देखा है आप एक टर्म यूज करते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है बच्चों? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एंड डिफरेंशियल डीवाई बाई डी एक्स को हम वाई वन भी लिखते थे या फिर वाई डैश भी लिखते थे। सो वाई वन, वाई डैश, डीवाई बाई डी एक्स, ये सब क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद एंड वन मोर थिंग, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिवाइड बाई डी एक्स क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं वाई टू या फिर वाई डबल डैश या फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, राइट। व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, लेकिन ये कैसा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है? ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये, राइट। सिमिलरली वाई थ्री, वाई थ्री वाई ट्रिपल डैश या फिर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री, व्हाट इज इट? दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड इट इज थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, राइट। सो बच्चों इस तरह से आपके डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं। एंड वन मोर थिंग, इसी टाइप से हम कंटिन्यू कर सकते हैं वाई एन, वाई एन या फिर वाई टू, दिस इस टाइप से भी लिख सकते हो आप। एंड और क्या लिख सकते हो? डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, व्हाट इज इट? दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर एन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n, ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, राइट बच्चों। सो y1 क्या है? y1 y डैश डिवाइड बाय dx, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, राइट। y2 y डबल डैश d2 y बाय dx2, ये सब क्या है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। d3y, y ट्रिपल डैश, y3, ये सब क्या है? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स एंड सो ऑन। yn dny अपॉन dxn, ये क्या है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर, राइट। ऑलराइट बच्चों, एंड वन मोर थिंग, अगर f'x लिखा है, f'x भी क्या है? दिस इज सिमिलर टू लाइक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। f double dash y, f double dash x, sorry, this is similar to y2, that is second order differential coefficient, and in same pattern हम कह सकते हैं f and y is what? nth order differential coefficient. So जब भी कोई differential coefficient लिखा जाता है उसके जगह पे yn हो सकता है, y dash हो सकता है, dy by dx हो सकता है, या f dash x हो सकता है। ये सब क्या है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट। तो आई होप कि आपको ये पता लग गया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जो आप डिफरेंशिएशन में dy by dx की टर्म्स लिखते थे उसे ही डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, देखो जरा। देखो बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन,
एक तो डिफरेंशियल में वर्ड यूज हुआ है डिफरेंशियल, एक वर्ड तो यूज हुआ है डिफरेंशियल, और सेकंड वर्ड यूज हुआ है इक्वेशन। इससे अंडरस्टूड है बच्चों, एक तो इसमें होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट लाइक डीवाई बाय डीएक्स, और साथ में ये बननी चाहिए इक्वेशन, राइट। सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है? जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो बच्चों एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि यूजुअली हमारे क्वेश्चंस में वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक बच्चों होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड बच्चों y हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड बच्चों होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब dy by dx। अब बच्चों dy by dx किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकंड ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, राइट, और nth ऑर्डर हो सकता है। तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, राइट। जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के ही होते हैं, राइट, ओके। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट y का विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज y विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x। एंड बच्चों इन सब के कॉम्बिनेशन से बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि dy by dx प्लस में y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब इसमें आप देखो dy by dx क्या है, dy by dx है बच्चों इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या हो गया, जो हम कह रहे थे कि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड साथ में ये होती है इक्वेशन, तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, सो इट इज इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन, कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन तब बनती है जब उसमें LHS और RHS दो साइड हो, राइट। किसी एक्सप्रेशन को हम जीरो से इक्वेट कर दें, किसी एक्सप्रेशन को हम जीरो से इक्वेट कर दें, किसी एक्सप्रेशन को हम दूसरी एक्सप्रेशन से इक्वेट कर दें, या ठीक है लाइक दिस, राइट। तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। किसी एक्सप्रेशन को जब हम जीरो से इक्वेट कर दें या किसी दूसरी एक्सप्रेशन से इक्वेट कर दें तो वो इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इक्वेशन है, राइट। सो आई होप कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब समझ आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, एंड ये इक्वेशन की फॉर्म में होती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं, अगर मैं और एग्जांपल लिखता हूं लाइक d2y / dx2, इसमें ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। एक से ज्यादा ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, dy / dx
प्लस साइन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। राइट बच्चों, इसमें दो डिफरेंशियल कॉफिशियंट आए हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कॉफिशियंट, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कॉफिशियंट। साइन वाई डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म है। तो यहां पर ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, और बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, काफी सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। एंड बच्चों ये कोई जरूरी नहीं कि हार्ड टर्म ही हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब आप कहेंगे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल तो है ही नहीं। कैसे नहीं है, देखो है dy by dx plus 0y is equal to x square plus sin x, डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों है, लेकिन उसमें उसका कॉफिशियंट जीरो है, y का कॉफिशियंट जीरो है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें है। राइट, d2y by dx2 is equal to y square, this is also a differential coefficient। अब आप कहेंगे कि इसमें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं, तो फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुई? यस, इट इज आल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। 0x2 आप लिख सकते हो, 0x2, जरूरी नहीं x की क्या पावर हो, 0x लिख सकते हो। राइट, सो दिस इज आल्सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब बच्चों क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप कि आपको आइडिया हो गया कि व्हाट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। राइट, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले जो टॉपिक आता है, दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी टॉपिक की एक्सरसाइज है कि हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिफरेंशियल, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट बच्चों, और जैसे मैंने यहां पर ये एक्सरसाइज 9 पॉइंट के क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस, तो इनमें देखो पहले ही क्वेश्चन में लिखा है कि डिटरमिन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से 10 तक के क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है, अगर डिफाइंड है तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि डिफाइंड एंड डिफाइंड होना, नॉट डिफाइंड होना, इसका क्या मीनिंग है। ऑलराइट बच्चों, जैसे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पर बच्चों ऑर्डर लिखा हुआ था वो आई थिंक कि डिलीट हो गया, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हाउ टू फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं, जैसे कि dy by dx plus y is equal to x, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, dy by dx plus y is equal to x। तो बच्चों ये तो होता है डिफरेंशियल कॉफिशियंट, आपको देखना है कि डिफरेंशियल कॉफिशियंट किस ऑर्डर का है। क्या देखना है कि डिफरेंशियल कॉफिशियंट किस ऑर्डर का है। यहां पर एक ही डिफरेंशियल कॉफिशियंट है और वो है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर एक डिफरेंशियल कॉफिशियंट और ऐड कर देता हूं, तो यहां पर दो डिफरेंशियल कॉफिशियंट्स हैं, जिसमें एक फर्स्ट ऑर्डर का है और सेकंड, ये कौन से ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है। राइट, तो बच्चों आपको इसमें तो देखना है हाईएस्ट ऑर्डर कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो भाई हमारे पास ये है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही है। राइट, सभी को पता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हायर होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उससे एक डिग्री कम ऑर्डर का है। राइट, एक लेस ऑर्डर का है। तो dy by dx तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है एंड d2y by dx तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो आपको देखना है बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है और उस हाईएस्ट ऑर्डर का ऑर्डर क्या है, 2।
क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है जिसका ऑर्डर हुआ टू, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर हुआ फर्स्ट, राइट। dy by dx का ऑर्डर क्या है, 1, dy by dx का ऑर्डर 1 है, d2y by dx2 का ऑर्डर 2 है, करेक्ट। सो आपको क्या देखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसका ऑर्डर क्या है। अब हम देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2। एंड बच्चों जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है उसका जो ऑर्डर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, वही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर का आपको पता चल गया कि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट को देखना है और उस डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। ये ऑर्डर एंड डिग्री हम इक्वेशंस के पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो मैंने एग्जांपल 1 में लिखी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं देखना अभी आपने, इस वाले को देखना है। तो इसमें जो मैंने जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर हुआ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हुआ 2, करेक्ट। उसके बाद आपको देखना है बच्चों डिग्री, जैसे देखो मैं यहां dy / dx के ऊपर बच्चों पावर कर देता हूं 2, राइट, और यहां पर जो dy / dx है इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है इसके ऊपर पावर क्या है, 1, राइट। तो ऑर्डर आपको पता चल गया, अब हम डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। सो बच्चों जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर है 1 और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर है 2। आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पावर्स को देखना है और उसमें भी मैंने कहा कि आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पावर्स को देखना है, एंड उसमें भी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y / dx2, इस केस में हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी क्या पावर है, इसकी पावर है 1, राइट। एंड dy / dx की क्या पावर है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर है 2। लेकिन बच्चों आपको डिग्री फाइंड करते हुए आपको इसको नहीं देखना, राइट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखना है और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है वो देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 1 है, ठीक है, तो हमारी डिग्री होगी 1। यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री 2 है, लेकिन वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होगी, ये 2 हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नहीं होगी, राइट, ये डिग्री नहीं हो सकती। डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है दैट विल बी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस केस में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी क्या, 1, करेक्ट। आई होप कि आपको डिग्री और ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम आगे, ठीक है, अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक बात और बच्चों, जैसे क्वेश्चन में लिखा था ऊपर, आप ऊपर टॉप वाली लाइन को आप देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है इफ डिफाइंड। ये इफ डिफाइंड क्या है भाई, ये इफ डिफाइंड क्या है देखो जरा, इफ डिफाइंड क्या है, मतलब ये है कि कभी कभी, ये तो साफ है कि कभी ना कभी डिग्री डिफाइंड, डिग्री या ऑर्डर डिफाइंड नहीं होते होंगे। बच्चों ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होता है, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे नहीं हो सकता ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा, राइट, ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। लेकिन डिग्री सम टाइम मे और मे नॉट डिफाइंड, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइंड हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती। अब हम बात करेंगे कि डिग्री कब डिफाइंड होती है और डिग्री कब डिफाइंड नहीं होती है, राइट बच्चों, ठीक है। ऑर्डर के बारे में तो आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं कि डिग्री इज समटाइम डिफाइंड, समटाइम मे नॉट बी डिफाइंड। बच्चों जैसे 3-4 चीजें मैं आपको बताता हूं, अगर आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी भी ऑर्डर का हो, ऑफ एनी ऑर्डर n, n लिख देता हूं, n स्टैंड्स फॉर, n बच्चों स्टैंड्स फॉर 1 2 3 4 डैश डैश डैश, राइट, ये किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो,
के कोफिशिएंट हो सकता है, ये dy by dx भी हो सकता है, ये dy by dx भी हो सकता है, ये d2y by dx2 भी हो सकता है, ये d3y upon dx3 भी हो सकता है, right? And so on. So ये किसी भी order का differential coefficient है. अगर ये differential coefficient किसी trigonometric के, trigonometric जैसे कि sine, trigonometric ratio के angle में आ जाता है, अब वो चाहे किसी भी order का हो, चाहे वो dy by dx हो, चाहे यहाँ पर d2y by dx2 हो, चाहे d3y by dx3 हो, किसी भी order का हो, ठीक है, trigonometric के कहाँ आ गया, angle में आ गया. एक और example जैसे कि मैं आपको दूँ, cos of d2y by dx2 आ जाए. In general मैं ये लिख दूँ कि trigonometric के angle में क्या आ जाए, किसी भी order का derivative आ जाए, किसी भी order का derivative आ जाए. इस केस में आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, इस केस में आपकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी. जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है. अब इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है बच्चों, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहां पर क्या है, डी फोर y by this, d4y by dx4, ठीक है. तो बच्चों इसका ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3, ये तो कंफर्म है. सॉरी 3 क्यों होगा भाई, 4 होना चाहिए, ठीक है. इसका ऑर्डर होगा 4, ऑर्डर तो इसका 4 होगा. इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर डिफाइंड है 4, एंड बच्चों यहां पर देखना ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में, साइन के एंगल में क्या आया हुआ है, ट्रिपल डैश आया हुआ है, यानी कि साइन के एंगल में क्या है, d3y अपॉन dx3 है, राइट. क्या कंक्लूजन निकला, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, क्लियर है. यही तो मैंने यहां बताया कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाता है, इन दैट केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड. तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर आपका क्या हुआ, 4, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड डिग्री हुई 3. अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ऑर्डर 4 हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है d4y / dx4, ये तो किसी के एंगल में नहीं है ना, ठीक है. लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही एंगल के अंदर आए. किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर एंगल में आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में आ जाता है, इन दैट केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्लियर है. आई होप कि समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए बच्चों, डेफिनेटली आ जाएगा, बहुत सिंपल है. अब चलते हैं आगे. तो एक केस तो मैंने ये बताया कि डिग्री डिफाइंड कब नहीं होती है, क्लियर है, ठीक है. मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. मैंने आपको एक केस बताया डिग्री कब डिफाइन नहीं होती है, अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं. तो सेकंड केस जब डिग्री डिफाइन नहीं होती है वो होता है बच्चों, अगर किसी एक्सपोनेंशियल की पावर में किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाए, ठीक है, किसी एक्सपोनेंशियल की पावर में किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाए तो डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, क्लियर है. जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं, साइन एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, बच्चों इस केस में डिग्री फिर से डिफाइंड नहीं होगी, राइट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर, सॉरी एक्सपोनेंशियल की पावर में ई की पावर में एक क्या आ गया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया. जरूरी नहीं है ई की ही पावर में हो, यहां पर टू टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स भी हो सकता था, यहां पर x की पावर डिवाइड बाय dx भी हो सकता था. अगर एक्सपोनेंशियल में आप पावर में अगर आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाता है, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्लियर है बच्चों, डिग्री नॉट डिफाइंड. आई होप कि समझ आ गया होगा. दो केस आपको मैंने बता दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक का था, दूसरा एक्सपोनेंशियल का था. थर्ड है बच्चों, अगर लॉगरिथमिक में किसी लॉगरिथमिक फंक्शन के, थर्ड है कि लॉग ऑफ
लॉग ऑफ डीवाई बाई डी एक्स आ जाए, लॉग ऑफ डीवाई बाई डी एक्स आ जाए, लॉग ऑफ डी टू आई बाई डी एक्स टू आ जाए, राइट एंड सो ऑन। किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव लॉगरिथमिक के साथ आ जाता है कि लॉग ऑफ डीवाई बाई डी एक्स, लॉग ऑफ वाई डैश, लॉग ऑफ वाई डबल डैश, लॉग ऑफ वाई ट्रिपल डैश, लॉग ऑफ एंड सो ऑन, लॉग ऑफ वाई टू द पावर। ये पावर नहीं है, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एन लिखा है दैट इज नॉट द पावर, वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, करेक्ट है। अगर ऐसा है तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो तीन चीजें बताई मैंने आपको डिग्री डिफाइंड नहीं होने के लिए। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सेकंड, एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट में नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, लॉग के साथ में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन केस कहीं भी आ जाते हैं, ठीक है, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। बच्चों मैं इरेज कर रहा हूं, आपको अगर कुछ में से कुछ नोट करना है तो आप यहां पर वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, अब आप बताइए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर है बच्चों 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, ऑर्डर है 4 एंड बच्चों डिग्री नॉट डिफाइंड। इस केस में डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन, यस, ये इस क्वेश्चन में y डैश का मतलब है dy by dx, और जैसा केस मैंने डिग्री डिफाइंड कब नहीं होगी बताया है, वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो बच्चों इसका ऑर्डर है 1, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, y डैश यानी कि dy by dx, और dy by dx हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, सो इसका ऑर्डर है 1। और अगर आप इसकी पावर को देखोगे, इसके ऊपर पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री भी क्या है बच्चों 1 है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर ds / dt, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड दिस वन d2s / dt2, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या होना चाहिए, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो ऑर्डर है वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2 है। एंड बच्चों यहां पर देखो, ds फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 4 है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, ओनली 1। इट व्हाट इट मींस, हमें तो ये देखना होता है ना बच्चों कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, ये तो 1 है, तो डिग्री होगी हमारी, सॉरी कुछ गलत बोल गया मैं यहां पर, हमें बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, और वो तो 1 है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री क्या है 1 और ऑर्डर क्या है 2। आगे चलते हैं, अब यहां पर देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हायर ऑर्डर किसका हुआ, सेकंड का, तो हायर ऑर्डर सेकंड का है, तो डिग्री ऑर्डर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा 2। एंड बच्चों यहां पर एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में आ गया, वो जो तीन केस डिग्री डिफाइंड नहीं होने के लिए बताए थे उनमें से एक आ गया, राइट, तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन आपका d2y / dx2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर बच्चों आपका होगा 2, एंड डिग्री बच्चों आपकी कितनी होगी, हाँ देखो डिग्री d2y / dx2 की पावर क्या है 1 है, d2y / dx2 की पावर क्या है 1 है, करेक्ट। सो बच्चों ऑर्डर तो हो गया 2, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री होगी, तो डिग्री हो गई आपकी 1। एक बात और, यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड होने जैसा केस तो कोई नहीं है ना, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक तो आ गया लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल के अंदर कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो नहीं है ना, कॉस वाई आ सकता है, कॉस एक्स आ सकता है, लेकिन कॉस dy/dx नहीं आ सकता, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ नहीं आ सकता।
इन दोनों केसेस में डिग्री डिफाइंड होगी, इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। करेक्ट, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये तो बच्चों ट्राइकलर बन गया, लग भी बड़ा अच्छा रहा। अच्छा आगे चलते हैं, यहां पर देखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये y की पावर 5 है। ये हमारे इसको रहने देते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव्स को देखो तो तीन डेरिवेटिव यहां पर आए हैं, और तीनों डेरिवेटिव में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज थर्ड ऑर्डर। बच्चों ऑर्डर तो हमारा 3 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ऑर्डर हमारा कितना हो गया? ऑर्डर तो हमारा 3 हो गया। अब आप इसको देखो, यहां पर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर 2, सॉरी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 4। लेकिन बच्चों हमें तो देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है हमारा, और इसकी पावर क्या है? 2। सो बच्चों डिग्री होगी 2, एंड यहां डिग्री नॉट डिफाइंड जैसा भी कोई केस नहीं है। राइट, आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में बच्चों y ट्रिपल डैश, y डबल डैश, y डैश, करेक्ट। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आई होप आप सबको पता होगा कि 3 है, तो ऑर्डर हो गया हमारा 3, एंड इसकी पावर क्या है बच्चों? इसकी पावर है 1। सो डिग्री हो गई हमारी 2। ठीक है, डिग्री डिफाइंड होने जैसा यहां भी कोई केस नहीं है। आगे चलते हैं y डैश y, तो एक ही डेरिवेटिव है इसमें, तो ऑर्डर, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ऑर्डर हो गया बच्चों 1, एंड डिग्री क्या हो गई? डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये है, इसकी पावर है 1, तो डिग्री होगी 1। यहां पर भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो कहते हैं कि सर e टू द पावर x आ गया, e टू द पावर x आ गया। बच्चों मैंने ये थोड़े ना कहा था कि अगर e की पावर x आ जाए तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। मैंने तो कहा था कि e की पावर में अगर आपका dy / dx आता है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। मैंने तो ये कहा था पावर में क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। e टू द पावर y हो सकता है, e टू द पावर x वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम है कि e की पावर में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट, सो इस केस में भी डिग्री डिफाइंड नहीं होने जैसा कोई केस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नाइन्थ क्वेश्चन, y डबल डैश। y डबल डैश में क्या है? y डबल डैश में है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहां पर तो डेरिवेटिव है ही नहीं। तो बच्चों हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज y डबल डैश, y डबल डैश है, तो ऑर्डर क्या होगा बच्चों? ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इज 2। अब आप जल्दी से डिग्री और बता दो मुझे, इसकी जो पावर है, क्योंकि हम तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखते हैं, सो पावर 1 है, तो डिग्री हो गई 1। राइट, वन मोर थिंग, थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो जरा यहां पर y डबल डैश, y डैश और साइन y, कंफ्यूज मत होना कि यहां से डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साइन y हो सकता है। राइट, y डबल डैश बच्चों ऑर्डर, ऑर्डर क्या? 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या? 1, तो डिग्री 1। राइट, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। चलते हैं आगे, 11th क्वेश्चन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओहो, ये क्या हो गया? इसने तो सब कर दिया कल्याण। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो आंसर लिखना है, तो ऑर्डर 2, ऑर्डर 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3, लेकिन दिस डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी वजह से क्या हो गया? डिग्री यहां पर डिफाइंड नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो बच्चों इसमें क्या पूछा था? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इज योर आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx2 है,
एंड बच्चों तो ऑर्डर हो गया टू, ठीक है। डिग्री क्या है? डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। अब ये देखो यहाँ 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई है, आपको उसको नहीं देखना, आपको तो देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है, दैट इज 2। और बच्चों यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड होने जैसा भी कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो ऑर्डर यहाँ क्या बताना था, ऑर्डर बताना था वैसे तो ऑर्डर हमारा 2 है। अगर डिग्री पूछते तो डिग्री बच्चों क्या होती, डिग्री आपकी क्या होती यहाँ पर, डिग्री होती 1, करेक्ट। सो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट थी। आई थिंक कि इसमें इतने ही क्वेश्चन है, अगर और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गया हो या स्किप हो गया हो बीच में तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक बार इसको करने के बाद खुद से 10 क्वेश्चन है बच्चों, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, दोबारा से करके देखिएगा। दो बार अगर आपने कर लिया, ऑर्डर एंड डिग्री आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऑलराइट बच्चों, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।